सिकल सेल एनीमिया की बीमारी अनुवांशिक होती है और यह आदिवासी समाज में बहुतायात में पाई जाती है। इसी प्रकार आदिवासी समाज में टीबी के मरीज भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाकर इनका उन्मूलन करने की आवश्यकता है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना होगा। यह बातें राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने शुक्रवार को संस्थान द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्तदान शिविर में कही। इस कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद सहित विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र और टीबी मरीजों को पोषण आहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। महामहिम राज्यपाल श्री पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि जहां दीन दुखियों की सेवा की जाती है, मैं वहां अवश्य जाता हूं। इस शिविर में युवाओं द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। रक्तदान एक सर्वोत्तम दान है जो दूसरे की जान बचाने के काम आता है। इस बीमारी से बचने के लिए समय पर इसकी पहचान जरूरी होती है। सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल निर्मूलन का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा तैयार किए गए खरगोन जिले के कैलेंडर का विमोचन किया। महामहिम को पारंपरिक जैकेट पहनाकर वीरता का प्रतीक धनुष बाण स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ज्यादातर बात करने की मैं समझता हूं, मैं सिकल सेल टीबी और आज जो ब्लड कलेक्शन करने वाले हैं उसके लिए ही मैं बताऊंगा तो मेरे ठीक लगेगा। सर्वदान में उत्तम दान है रक्तदान, क्योंकि अपना रक्त दूसरे को दो तो उसको जीवन दान मिलते हैं, इसलिए उसको बोला गया है रक्तदान, सर्वोत्तम है रक्तदान। आज यहाँ कलेक्शन होने वाला है, लास्ट टाइम भी मैं आया था तभी मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने रक्तदान किया और कई ऐसे लोगों को जो रोगी है उसको रक्त मिला और उसकी अच्छा तक शरीर अच्छा हुआ। कभी कभी ऐसे भी मन में आता है, अनपढ़ लोग के मन में, कि मैं रक्त दे दूंगा तो मेरे में रक्त घट जाएगा। ऐसा मत समझो भैया, रक्त तो नेचुरल है, बनता जा रहा है, मगर ज्यादा में ज्यादा दूसरे के उपयोग के लिए आप रक्त दे तो उसके लिए आपका शरीर भी अच्छा रहता है। मैंने कई जगह पे रक्त दाता को पूछता हूँ कि कितनी बार दिया, क्योंकि 40 बार दिया, कितने बार दिया तो 50 बार दिया, फिर भी रुष्ट पुष्ट दिखते हैं। यही समझो हम दूसरे के लिए काम करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि कुदरत ने मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, मानव को ही जबान दी है, दूसरे को जबान नहीं दी, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, पैसा दिया है, परिवार के लिए नहीं दूसरे के लिए जितना उपयोग हो सके उतना करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं गजेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई दी। टीबी यानी क्षय, प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 2025 में हमको निर्मूलन करना है। यह लक्ष्य मित्र भी है जो कई ऐसे टीबी के रोगी है उनको लक्ष्य मित्र बनकर ऐसे सरकार ने तो आयोजित किया है दवाइयां देने की, मगर टीबी के जो पेशेंट होते हैं उसको दवाइयां दी जाती है वो ज्यादातर पेट में जाती है जब गर्म ज्यादा पड़ती है, उसके लिए लक्ष्य मित्र जो है उसको फ्रूट दे, दूध दे, कोई ऐसी चीज दे कि उसको उसमें टीबी में राहत भी हो। ऐसे करके लक्ष्य मित्र बनाने की भी जो योजना बनाई है ऐसे सरकार के कार्यक्रम में, ये सांसद जो अच्छी तरह जो उसमें चला रहे हैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्य मित्र को जो बना है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी कुछ न कुछ लक्ष्य मित्रों को अच्छा करने में वो भी मदद कर रहे हैं। मैं कई बार ऐसे टीबी के परिवार को मिलता हूँ तभी
कि भैया आप जिस घर में टीबी का पेशेंट है उसका रहने का थोड़ा दूर कीजिए। मैं डायरेक्ट को बोलता हूं कि भैया आपके घर में टीबी का पेशेंट है तो बच्चे उधर उधर नहीं घूमे, जहां थूकना है तो पॉट अच्छा रख के उसमें ही थूके, क्योंकि घर वाले छोटे छोटे बच्चे कहां ने कहा घूमते हैं तो वो तुरंत लग जाता है। उसके लिए लिस्ट बनाकर क्या क्या सावचेती रखना है वो करना चाहिए। और जो मरीज है 6 महीना अच्छी तरह दवाई खाए, कई बार तो डॉक्टर खड़े रहते ही वो खिला देते दवा खाओ हमारे सामने, क्योंकि रोगी को दवा खाने में कोई भी रोगी हो हर रोज दवा खाना है थोड़ा मन को चूकता है, मगर 6 महीना अच्छी तरह तुम दवाइयां खाएंगे तो मैं 100% बोलता हूँ कि ये रोग में से मुक्त हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।